हिमाचल को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ की पावन भूमि के कणकण में देवता का वास है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को ग्रामीण आज के इस आधुनिक दौर में भी निभा रही हैं। ऐसी ही एक परंपरा करसोग में बूढ़ी दिवाली को निभाने की चली आ रही है। उपमंडल के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों ममलेश्वर महादेव मंदिर, चवासी क्षेत्र के महोग खनियोल चवासी मंदिर व कांडी कोजौन ममलेश्वर महादेव देव थनाली मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए 23 और 24 नवंबर को बूढ़ी दिवाली मनाई जाएगी। इन क्षेत्रों में स्थित प्रमुख मंदिरों में मशाले जलाने के लिए लकड़ियां काटी जा रही है। 23 नवंबर की आधी रात को अपने अपने क्षेत्रों में ग्रामीण मंदिर में मशाले जलाकर लोकगीत और नृत्य कर गाँव की परिक्रमा करेंगे। इसमें देवता के गुड़ सहित मंदिर के कारदार भी शामिल होंगे। इसके लिए मंदिरों में तैयारियां चल रही है। मंदिरों को लाइटों की लड़ियों से सजाया जा रहा है। मान्यता है कि ग्रामीणों को दिवाली के एक माह बाद भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने का पता चला था, तभी से करसोग में बूढ़ी दिवाली की पौराणिक परंपरा को निभाया जा रहा है। चवासी क्षेत्र के समाज सेवी व कारदार टीसी ठाकुर व कांडी कोजोन ममलेश्वर महादेव मंदिर देव थनाली के कारदार युवराज ठाकुर बताते हैं कि दिवाली के एक महीने बाद अमावस्या की रात को बूढ़ी दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देर रात को देरची निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण मशाले लेकर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना के लिए गांव की परिक्रमा करेंगे। इसमें देवता के भागी लोग भी शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिवाली गीत व नृत्य किया जाता है और देवता लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा आज भी करसोग में उत्साह के साथ निभाई जाती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। हिमाचल को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ की पावन भूमि के कणकण में देवता का वास है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को ग्रामीण आज के इस आधुनिक दौर में भी निभा रही हैं। ऐसी ही एक परंपरा करसोग में बूढ़ी दिवाली को निभाने की चली आ रही है। उपमंडल के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों ममलेश्वर महादेव मंदिर, चवासी क्षेत्र के महोग खनियोल चवासी मंदिर व कांडी कोजौन ममलेश्वर महादेव देव थनाली मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए 23 और 24 नवंबर को बूढ़ी दिवाली मनाई जाएगी। इन क्षेत्रों में स्थित प्रमुख मंदिरों में मशाले जलाने के लिए लकड़ियां काटी जा रही है। 23 नवंबर की आधी रात को अपने अपने क्षेत्रों में ग्रामीण मंदिर में मशाले जलाकर लोकगीत और नृत्य कर गाँव की परिक्रमा करेंगे। इसमें देवता के गुड़ सहित मंदिर के कारदार भी शामिल होंगे। इसके लिए मंदिरों में तैयारियां चल रही है। मंदिरों को लाइटों की लड़ियों से सजाया जा रहा है। मान्यता है कि ग्रामीणों को दिवाली के एक माह बाद भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने का पता चला था, तभी से करसोग में बूढ़ी दिवाली की पौराणिक परंपरा को निभाया जा रहा है। चवासी क्षेत्र के समाज सेवी व कारदार टीसी ठाकुर व कांडी कोजोन ममलेश्वर महादेव मंदिर देव थनाली के कारदार युवराज ठाकुर बताते हैं कि दिवाली के एक महीने बाद अमावस्या की रात को बूढ़ी दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देर रात को देरची निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण मशाले लेकर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना के लिए गांव की परिक्रमा करेंगे। इसमें देवता के भागी लोग भी शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिवाली गीत व नृत्य किया जाता है और देवता लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा आज भी करसोग में उत्साह के साथ निभाई जाती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट।